सो गाइज अभी यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी बची है, अटरी बॉर्डर है ना, मतलब बाघा बॉर्डर। तो अभी देखते हैं वहाँ पे क्या प्रोसेस है अंदर जाने का। सो गाइज फाइनली हम लोग आ चुके हैं बाघा बॉर्डर पे और अटरी बॉर्डर पे मतलब। और ये देखो जो सामने यहाँ पे सारा व्यू है, और अभी पार्किंग में कार खड़ी करी है। सो गाइज अभी हम लोगों ने कैब वगैरह ली है यहाँ से और अब जा रहे हैं अंदर बैठने के लिए। तो अभी चलते हैं बाघा बॉर्डर देखने के लिए। और देखो गाइज ये कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है, लाइन में लगना पड़ेगा एंट्री के लिए। और गाइज यहाँ पर ऐसे बोल रहे हैं कि खाने पीने का सामान है ना साथ लेके जाना, क्योंकि 7 बजे तक अंदर बैठना पड़ेगा और अभी टाइम हो रहा है सिर्फ 4:30। तो अभी ये 2-2.5 घंटे का चलेगा, यहाँ पे क्या चलता है जो देखते हैं, अभी चलते हैं अंदर। और ये देखो यहाँ पे कितनी लाइन लगी हुई है। तो गाइज अभी है ना सिक्योरिटी चेक करवा के और अब हम लोग जा रहे हैं मेन जगह जहाँ पर वो इवेंट चलने वाला है। तो अभी चलते हैं और सामने का ये जो दिख रहा है ना इंडिया, तो ऐसा लग रहा है कि बस प्राउड टू बी इंडियन इंडियन यस। तो चलते हैं अभी आगे यार, पीछे पीछे। सो गाइज जो भी कोई लाहौर जाना चाहता है यहाँ से मात्र 22 किलोमीटर है अपने रिस्क पे जाना। क्यों भाई संजय जी, 100% राइट टाइम। चलो ये देखो सामने, गाइस फाइनली यहाँ की परेड है ना जो कंप्लीट हो चुकी है, और लिटरली वो इतनी मतलब मस्त लग रही थी ना देखने के अंदर, ऐसे जोश आ रहा था ना आज तो मतलब है ना शरद वगैरह बार वो उतार ना तो समझ जाओ बाबा आगे का वंदे मातरम मजा आ गया आज तो। अभी हम लोग
यहाँ का मतलब परेड खत्म हो गई है, अब जा रहे हैं वापस कार पार्किंग की तरफ। इस बॉर्डर के उधर पाकिस्तान है, इधर हिंदुस्तान है। सो गाइज अभी हम लोग वहाँ बॉर्डर से फ्री होके और अब जा रहे हैं कहाँ पे, गोल्डन टेंपल। यार आप चश्मा क्या लगा रहे हो, गोल्डन टेंपल गोल्डन टेंपल यार था आसू तक दिक्कत तो बल जाए यार मार दी जी वही दिक्कत है यार। तो अब रात को काला चश्मा लगा के घूम रहे हैं यार, रात को पहले रात है ऊपर से काला चश्मा यार। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गोल्डन टेंपल। सो गाइस अभी हम लोगों ने ना कार को तो पार्क लगा दिया इस मार्केट के अंदर, और इस मार्केट में हम लोग घूमे जा रहे थे इतना तो उसमें जाम मिल रहा था। अभी फिलहाल हम लोग कुकू के अंदर जा रहे हैं, कुकू से हम लोग जाएंगे गोल्डन टेंपल। और यहाँ की गलियाँ देखो कितनी कंजेस्टेड गलियों में से लेकर जा रही है हमारे। हम लोग फाइनली पहुंच गए गोल्डन टेंपल पे, और अभी यहाँ पर हम लोगों ने ये स्कार्फ वगैरह बांध लिया सिर के ऊपर। अभी हम लोग जा रहे हैं पहले दर्शन करने के लिए। सो गाइज आप फाइनली देख पा रहे होंगे जस्ट मेरे सामने ये रहा गोल्डन टेंपल, और लिटरली कितना प्यारा लग रहा है ये। सो गाइज अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये जो है ना गोल्डन टेंपल, इसका फ्रंट लुक दिखाता हूँ मैं आपको, मतलब कि है ना चारों तरफ से इसको है, लेकिन मैं सामने से देखो यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है। फाइनली हम लोगों ने लंगर कर लिया है और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं हमारे होटल के लिए। तो अभी होटल पर चलते हैं, पहले मस्त लगा लंगर, एक नंबर टेस्ट था खाने के अंदर। और गाइज अभी हम लोग आए थे ना जब यहाँ पे, तो पूरा मार्केट उसे खुला हुआ था, और अब देखो मतलब 9:30 बजे पूरा मार्केट बंद हो गया, पूरा खाली पड़ा है मार्केट। ये देखो पूरा मार्केट ही खाली हो गया। सो गाइज आज हम लोगों ने देखा एक तो बाघा बॉर्डर और एक गोल्डन टेंपल, और हमारे को बहुत अच्छा लगा। तो अब इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, और कल मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय माता दी। और ये कश्मीर टूर की पूरी सीरीज देखना, मतलब पूरे ब्लॉग देखना, काफी इंटरेस्टिंग आने वाला है।